मरीजों की संख्या कम होने के बाद अब बिहार अनलॉक हो गया है, यानी लगभग सभी तरह की पाबंदियां हटा दी गई है। आज अनलॉक का पहला दिन है। स्कूल, कॉलेज, जिम, पार्क समेत सभी स्थान खोल दिए गए हैं। महीनों बाद बिहार अनलॉक हुआ है। इसके अलावा जिला प्रशासन की अनुमति से सभी प्रकार की सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन आयोजित किए जाएंगे। विवाह समारोह, अंतिम संस्कार, श्राद्ध कार्यक्रम 200 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ आयोजित किए जाएंगे। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मास्क पहनना अनिवार्य होगा। प्रदेश में अनलॉक का पहला दिन है और आज से सभी शैक्षणिक संस्थान खुल गए हैं। कोरोना की तीसरी लहर के बाद स्कूल जो बंद किए गए थे उन्हें खोल दिए गए हैं। सरकार ने एक कक्षा से लेकर आठवीं कक्षा तक के बच्चों के लिए अभी भी 50% क्षमता के साथ पढ़ाई करने की अनुमति दी है। इसको लेकर स्कूल प्रशासन की तरफ से तैयारियां की गई है। बच्चों को रोल नंबर के अनुसार एक दिन बीच करके बुलाने की व्यवस्था की गई है। इसकी जानकारी स्कूल प्रशासन बच्चों और उनके अभिभावकों तक पहुंचाने का काम कर रही है। पहले दिन स्कूल में बच्चों की उपस्थिति काफी कम रही। प्रदेश में अनलॉक का पहला दिन है और आज शिक्षण संस्थान के साथ ही साथ मंदिर भी खोल दिए गए हैं। पार्क, जू, जिम को भी खोल दिया गया है। पहले दिन पटना के महावीर मंदिर भी खुल गए हैं। कोरोना मरीजों की संख्या कम होने के बाद बिहार में अब कुछ शर्तों के साथ अनलॉक की शुरुआत हो गई है। आज से पार्क भी गुलजार हो गया है। भारी संख्या में बच्चे, महिलाएं पार्क पहुंच रही है, जहां कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए पार्क में एंट्री दी जा रही है। तो वही अनलॉक के बाद आज से सचिवालय भी गुलजार हो गया है, क्योंकि सरकारी कार्यालयों को भी पूरी क्षमता के साथ संचालन की अनुमति दी गई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। बिना मास्क के ही सचिवालय में लोग घूमते नजर आ रहे हैं। बिहार सरकार के स्कूल कोचिंग खुलने के आदेश मिलने के बाद आज खगड़िया में सरकारी और गैर सरकारी स्कूल कोचिंग खुल गई है। कई दिनों के बाद आज फिर से स्कूल कोचिंग में रौनक लौट लाई है। छात्र छात्राएं स्कूल आकर काफी खुशी महसूस कर रहे हैं। जिले के स्कूल कोचिंग में आज छात्र छात्राएं कोविड नियमों का अनुपालन करते हुए पढ़ाई करते नजर आए। इन सब के बीच स्कूल कॉलेज खोले जाने के सरकार के फैसले का स्टूडेंट और टीचर ने स्वागत किया। स्टूडेंट्स ने कहा है कि सरकार का ये फैसला छात्रों के हित में है। स्कूल आकर काफी अच्छा लगा। उम्मीद है कि पढ़ाई अब बाधित नहीं होगी। विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर एक बार फिर से जेडीयू और बीजेपी आमने सामने है। दोनों पार्टियों के बड़े दिग्गज नेता एक दूसरे पर सियासी हमला बोल रहे हैं। एक तरफ जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह, जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता बयान दे रहे हैं। सोमवार को संजय जायसवाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने जेडीयू नेताओं को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि विशेष राज्य करने से कुछ नहीं होगा। केंद्र से बहुत पैसा मिल रहा है, जिसका इस्तेमाल अगर सही से किया जाए तो राज्य की तरक्की तेजी से होगी। उन्होंने कहा कि हम 6 वर्षों में भी प्रधानमंत्री के दिए हुए पैकेज का पूरा पैसे का इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं। अभी भी 10,000 करोड़ से ज्यादा बकाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना में भी बिहार को 1,000 करोड़ मिले हैं। अगर हमने भूमि उपलब्ध नहीं कराया तो ये किससे कहानियों की बात हो जाएगी। हम अपनी कमी दूर करने की बजाय नीति आयोग की शिकायत करते हैं। बिहार से ज्यादा महाराष्ट्र की आबादी है, फिर भी बिहार को 31,000 करोड़ अतिरिक्त मिल रहा है। पश्चिम बंगाल भी बिहार की तरह पिछड़ा राज्य है, लेकिन फिर भी बंगाल से 21,000 करोड़ बिहार को अतिरिक्त मिल रहा है। GST से सबसे ज्यादा फायदा बिहार को मिल रहा है। बाकी राज्यों से यहाँ 20,000 करोड़ का अतिरिक्त फायदा है। बिहार सरकार को हर हाल में उद्योग को बढ़ावा देना होगा। उद्योग लगाने वालों को विलन समझने की मानसिकता बिहार को कहीं नहीं छोड़ेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि नल जल योजना में केंद्र की 50% राशि लगी है, जिसका इस्तेमाल हम पंचायती राज्य की योजनाओं में कर सकते हैं। वित्तीय वर्ष में 6,000 करोड़ की राशि आवंटित हुई थी। नल जल योजना के मद में हमने ये पैसे नहीं लिए। उन्होंने कहा कि सैकड़ों करोड़ खर्च करने के बाद भवन निर्माण विभाग खुश करने की बजाय गरीबों की योजनाओं पर पैसे खर्च होने चाहिए। उन्होंने एक उदाहरण में लिखा है कि एक छोटा उदाहरण मेरे लोकसभा रक्सौल हवाई अड्डे का, जिसके लिए प्रधानमंत्री ने 250 करोड़ मिल दिए हैं, लेकिन अब तक जमीन उपलब्ध नहीं कराने की वजह से योजना अधर में लटकी हुई है।
तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू की तरफ से विशेष राज्य की मांग लगातार जारी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के बयान पर जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने जवाब देते हुए कहा, स्पेशल स्टेटस की मांग उनसे नहीं कर रहे बल्कि प्रधानमंत्री से कर रहे हैं। वहीं जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार विकास की डगर पर चल रहा है, अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो और ज्यादा विकास करेगा बिहार। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के पोस्ट पर कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का ये कहना कि बिहार का विकास विशेष राज्य के दर्जे के बगैर हो रहा है, ये सही नहीं है। विशेष राज्य का दर्जा मिलने के बाद बिहार को आर्थिक मजबूती मिलेगी। नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार कितना पिछड़ा है बीजेपी को बयान देने से पहले देखना चाहिए। लातेहार में शिक्षा विभाग में पदस्थापित पदाधिकारी पर कथित भ्रष्टाचार मामले में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने संज्ञान लिया है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव के ट्वीट पर मंत्री जगन्नाथ महतो ने संज्ञान लिया। मंत्री ने उपायुक्त अबू इमरान को जांच कर कार्यवाही सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच कर दोषियों पर कार्यवाही करें। शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर ऐसे आरोप विभाग को धूमिल करता है। आरा के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के बरहसी काली मंदिर में चोरों ने चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दिया है और मंदिर में रखे दान पात्र, सोने के मुकुट समेत लाखों सामान चुरा ले गए। हालांकि चोरी की पूरी वारदात मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से चोर मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं और मंदिर में चोरी करके आराम से निकल जाते हैं। 3 साल पहले भी इस मंदिर में चोरों ने निशाना बनाया था, उस मामले में भी पुलिस को कुछ खास सफलता हाथ नहीं लगी थी। हजारीबाग के बरही थाना क्षेत्र के नाईतार गांव में कुछ युवकों के बीच अचानक मारपीट हुई, जिसमें नाईतार गांव के रहने वाले रुपेश कुमार की मौत हो गई। रुपेश कुमार अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। घटना के कारण अब तक खुलासा स्पष्ट नहीं हो पाया है। ग्रामीणों के अनुसार रुपेश कुमार प्रतिमा विसर्जन करने जा रहा था, इसी बीच मारपीट की घटना हुई। जानकारी मिलते ही एसडीओ पूनम कुजूर, डीएसपी नजीर अख्तर समेत कई अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गए हैं। गया धनबाद रेलखंड के पहाड़पुर रेलवे स्टेशन के पास पहले सुबह 5 बजे ट्रेन की खाली रेक की 2 डब्बी बेपटरी हो गई। ट्रेन संख्या 00271 गया के से गोमो जा रही थी, तभी पहाड़पुर के पास बेपटरी हो गई, जिसके कारण रेलखंड के डाउन लाइन पर ट्रेनों का परिचालन बाधित हो गया। मौके पर आरपीएफ, एसएस, पीआरपी समेत अधिकारी मौजूद रहे। डाउन लाइन पर ट्रेनों का परिचालन सुचारू रूप से चालू कराने का प्रयास जारी है। बेपटरी होने के कारण कई ट्रेनें जहां तहां खड़ी है, वहीं अप लाइन से ट्रेनों का परिचालन करवाया जा रहा है। पटना के कारगिल चौराहे पर देर रात तक अफरा तफरी का माहौल रहा। सैदपुर हॉस्टल के सरस्वती पूजा की मूर्ति विसर्जन को लेकर प्रशासन और हॉस्टल के छात्रों के बीच विवाद हो गया। सैदपुर हॉस्टल के छात्र मूर्ति को डीजे के साथ अशोक राजपथ की ओर ले जाना चाह रहे थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें रोक दिया। सबसे पहले वहां से प्रशासन ने डीजे को हटवाया तो छात्र कारगिल चौक पर ही बैठ गए। उसके बाद प्रशासन के बड़े अधिकारी पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस की निगरानी में मूर्ति विसर्जन के लिए ले जाया गया। छात्र गंगा में मूर्ति विसर्जन करना चाह रहे थे, लेकिन प्रशासन ने कहा कि गंगा में मूर्ति विसर्जन किसी हालत में नहीं करने दिया जाएगा, उसके लिए कृत्रिम तालाब बनाए गए हैं। वहीं राजधानी पटना में मूर्ति विसर्जन के दौरान युवकों का उत्पात देखने को मिला। कदमकुआं थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर गोलंबर के नजदीक युवकों ने हाथ में लाठी डंडे लेकर दुकान में जमकर तोड़फोड़ की है। दुकान में तोड़फोड़ के दौरान अफरा तफरी का माहौल हो गया। सीसीटीवी फुटेज में पूरी घटना कैद हो गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से युवकों का एक ग्रुप दुकानों में हमले कर रहा है और जमकर लाठी डंडे से वार कर रहा है। किशनगंज के कोचाधामन प्रखंड में मस्तलिया गांव में 2 फरवरी की रात हुई डकैती की घटना का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने डकैती में शामिल 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही लूटी गई राशि सहित सामानों की बरामदगी भी कर ली गई है। इस डीपीओ अनवर जावेद अंसारी ने बताया कि एसपी इनामुल हक मेगनू के निर्देश पर टीम का गठन किया गया, जो मामले का खुलासा करते हुए सभी अपराधियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन इस कांड का सरगना अभी भी फरार है, उसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
बेरमो में नियोजन मुआवजा और पुनर्वास की मांग को लेकर विस्थापितों ने 14 फरवरी से अनिश्चितकालीन आंदोलन करने का ऐलान किया है। सीसीएल डोरी, बीएनके और कथरा प्रक्षेत्र के समन्वय समिति के बैनर तले पूर्णा टार में विस्थापितों ने मशाल जुलूस निकालकर आंदोलन का बिगुल फूंका। जुलूस में शामिल महिला पुरुष हाथों में तख्तियां लेकर प्रबंधन की नीतियों का विरोध कर रहे थे। पूर्व विधायक योगेश्वर महतो बाटुल ने प्रबंधन की कार्यशैली को तानाशाही बताते हुए आंदोलन की चेतावनी दी।